हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़रा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, जिसके सामने आप समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। ये नाश्ता जितना ज़रा क्रिस्पी है, चटपटा है, उससे ज़रा ये हेल्दी है और आप इसे एक बार बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और नाश्ता बनाने के झंझट से आज़ादी पा सकते हैं। और इसे हम बनाएंगे बिना बेसन बिना सूजी के। तो अगर आप बेसन और सूजी के वही पुराने नाश्ते खा खा के बोर हो चुके हैं, कुछ नया खाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो फ्रेंड, पैन को अच्छे से वापस से गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हमने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे प्याज को आपको बारीक करने की जरूरत नहीं है। अब गैस अपने हम हाई रखेंगे और प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, ताकि प्याज जले ना और इससे बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और लुक भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। कंटिन्यू चलाते हुए आप इसको अच्छे से भून लीजिए। यहाँ पे आपको ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़े तेल में इसको अच्छे से भूनना है। तो फ्रेंड देखिए, 1 से 2 मिनट का टाइम लगा है। प्याज हमारी इस तरीके से देखिए डार्क सी ब्राउन हो गई है। इससे ज़रा हमें इसे नहीं पकाना है। आप इसको फटाक से निकाल लेंगे। और इसको हम इस तरीके से फैला देंगे ताकि ये हल्की सी ठंडी हो जाए, गर्म नहीं इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे जो तेल हमारा बचा हुआ था, इसमें हम 2 ग्रीन चिली डाल देंगे, जिसको मैंने इस तरीके से बीच से कट कर लिया है। और अब इसके साथ हम इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे, जो लाल होना चाहिए, ना इसके बीज निकालेंगे ना ही बीज निकालेंगे। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे 50 मिनट। और अब हम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और टमाटर को हम अच्छे से हाई फ्लेम पर 10 से 15 सेकेंड भून लेंगे। यहाँ पे हमें टमाटर को ओवर कुक नहीं करना है, इसलिए हमें इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा। और जब आप नमक डाल देते हैं, टमाटर हमारे हल्के हल्के से जल्दी जल्दी सॉफ्ट होने लगते हैं और कवर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब इसको भी हम इस तरीके से इसी में निकाल लेंगे। आप गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, मैंने लिया है कच्चा केला, जो वेट ने हमारा 500 ग्राम है। यहाँ पे मैंने लिया है चने की दाल। अगर आपके पास चने की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई और दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप मसूर की दाल ले लीजिए, चाहे तो आप बिना छिलके वाली उड़द की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे चने की दाल इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन चने की दाल में ही पाया जाता है, इसीलिए मैं चने की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो फ्रेंड देखिए, ये जो हमारा पैन था, इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसके अंदर हम 3 से 4 ग्लास पानी डाल देंगे और गैस के फ्लेम को हम फुल कर देंगे। और फुल फ्लेम पे हम पूरा अच्छे से बॉईल आने का इंतजार करेंगे। और जब हल्का सा बॉईल आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डाल देंगे चुटकी भर। और जैसे ही हमारा उबाल हल्का हल्का सा आने लगेगा, हम इसके अंदर अपने केले को डाल देंगे। और यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि इसको हमें सिर्फ हाफ पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। इसीलिए हमें सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है और कवर नहीं करना है। अगर आप कवर करेंगे तो ये गल जाएगा। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए एक पैन लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे साबुत धनिया और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे साबुत जीरा। अब दोनों को हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, बिल्कुल भी काला नहीं करना है। तो इसीलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। जैसे ही चटक जाएगा, हम इसमें डालेंगे हींग। तो हींग जरूर डालनी, इससे फ्लेवर आने के साथ साथ आपको इसको पचाने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/4 चम्मच हींग डाल दी है। हींग को भी 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी चने की दाल, जो वेट में हमारी मुश्किल से 10 ग्राम है। अब इसको हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। ख्याल ये रखना है कि दाल को भिगो कर नहीं लेना है, इसको आपको कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। तो इसमें टाइम की बचत है, क्योंकि अगर आप दाल भिगोएंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो इस रेसिपी को आप कच्चे दाल के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसको भूनना है, ताकि इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसमें बहुत ही अच्छा सा सोनापन भी आएगा भूनने से। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। और यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि दाल को बहुत ज़रा नहीं भूनना है, इस पर कलर नहीं आना चाहिए, नहीं तो लुक खराब हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए दाल हमारी अच्छे से बन गई थी। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। फिर भी हम इसको इसलिए चला रहे हैं क्योंकि जो बर्तन है वो थोड़ा सा जल रहा है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो दाल लग जाएगी। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए 5 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, बिल्कुल अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। अब इससे ज्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। अब इसको हम तुरंत इस तरीके से निकाल के तुरंत पानी में डाल देंगे ताकि जो इसके पकने का प्रोसेस है वो रुक जाए। अगर आप इसको पानी में नहीं डालेंगे तो ये और कुक हो जाएंगे। तो फिर हमें जो 50% चाहिए वो हमारा 100% हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम इसको तुरंत निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जितना पका है उसी पे ये रुक जाएगा। ये देखिए अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप रूम टेम्परेचर के पानी में भी इसको डाल सकते हैं। आप इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड देखिए सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई और ठंडी होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे। ख्याल ये रखना है कि जार में बिल्कुल ही पानी नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई करके लेना है। और अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। और अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते, जिसको मीठी नीम बोलते हैं। यहाँ पे सूखे वाले इस्तेमाल करने, तो ये मैंने 7 से 8 डाल दी हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी जरूर डालनी, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक काश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास काश्मीरी वाली ना हो तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं। और अगर हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे 1/4 चम्मच तक। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे नमक 1/4 चम्मच तक। और अब हम बिना पानी डाले इसको क्या करेंगे, कवर करके बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया। पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से सूख गई थी यानी ठंडी हो गई थी। ये देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फटाफट से निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से ट्रांसफर कर दिया। और इस मसाले को आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैंने जार को अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां, जिसको हम छिलके के साथ इसलिए डालें क्योंकि हमारा जो लहसुन है वो ताजा वाला लहसुन है। और जो ताजा लहसुन होता है उसका छिलका बहुत ही ज्यादा पतला होता है और उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और अगर आपका लहसुन देखने में पीला है तो समझ जाइए पुराना है। तो देखिए मेरा बिल्कुल व्हाइट है यानी ताजा है। फिर इसके बाद हम इसमें 1 इंच की अदरक डालेंगे, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आने के साथ साथ आपको रेसिपी को पचाने में मदद मिलेगी। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, ज़्यादा हरा धनिया नहीं डालना है। फिर ये देखिए जो टमाटर और प्याज हमारे थे बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए, ये हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा, तो हमें पतला नहीं चाहिए। अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से पीस लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीस किया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और अपने केले को चेक करेंगे। तो ये देखिए केला हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, इतना कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अब इसको हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये वाला भाग निकाल देना है और आपको इसे इस तरीके से 3 कट लगाने हैं। ये देखिए इससे आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। कैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और जब ये लगाया है तो इस तरीके से इसको पकड़ेंगे, तो ये देखिए कितने आसानी से निकल गया। बहुत ही आसानी से निकल गया और ये 50% तक हमारा डन हो गया है और 50% ये कच्चा है। ये देखिए तो जो तरीका मैंने बताया उससे आपको यह आसानी से छिलका निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए और जो ये लगा है इसको हम इस तरीके से नाइफ से हल्का हल्का सा कट कर लेंगे ताकि ये साफ हो जाए। इसको आपको वॉश नहीं करना है, नहीं तो इसके अंदर पानी चला जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से छील लिया, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको हमें लंबा लंबा कट करना है। ना हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला। तो एक में हम सिर्फ 3 करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने सारे कट कर लिया। अब इसको हम इस तरह से बड़े साइज के बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये जो मसाला हमने बनाया था ये हम इसके अंदर सारा का सारा डाल देंगे। और मसाला डालने के बाद अब इसके अंदर क्या डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे तेल हल्का सा गर्म करके, और इसको हम अच्छे से इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए
पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि केले के अंदर जितनी भी नमी होगी उसी से ये मसाला बिल्कुल इसके अंदर समा जाएगा। अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट में इसमें अपने आप पानी निकलेगा और ये हल्का सा गीला हो जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर नमक डाला है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल रखा है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा हम इसके अंदर अपना ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने बना के रखा था। तो पानी हमें नहीं डालना है और अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसको हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनना है, क्योंकि ये पहले से ही हमारा कुक है तो इसे हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस तरीके से तेल में डाल के जब भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल देंगे। और अब इसके हम कलर के लिए डालेंगे थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये हमें सिर्फ 1 चुटकी डालनी है। तो अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए इस तरीके से पका लिया है। जो ऑयल था वो देखिए छोड़ना शुरू हो गया है। इस तरीके से जब बबल आने लगते हैं तो इसका मतलब है कि बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। मुश्किल से आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा इसको पकाने में और इसको आपको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया है। आप गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, तब भी ये गर्म है कढ़ाई, इसीलिए हम इसमें अब धनिया डालेंगे लास्ट में। और धनिया डालने के बाद अब इसको हम मिक्स कर देंगे और अब इसको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए, चलिए खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मसाला इसके अंदर समा गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे जिसको हमने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, तावा भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे ख्याल ही रखना है गैस को हमें हाई फ्लेम पे करके ही तेल को गर्म करना है। अगर आपका तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो ये कुरकुरा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इस तरीके से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से अपने तैयार नाश्ते को हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे ख्याल ही रखना है कि एक बार में उतना ही डालना है जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आपका पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप एक बार में ढेर सारे डाल सकते हैं। अगर छोटा है मीडियम है तो आप एक बार में उतना ही डालना जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इतने डाल दिए हैं और अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। ख्याल ही रखना है गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और डालते ही तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे, फिर इसके बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितने आसानी से ये टर्न हो जाएंगे और खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ये हेल्दी है और आप इसको लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। और सफ़र वगैरह में ले जा रहे हैं तो आप इसको जा रहे हो तो इसको पैक करके ले जा सकते हैं और मेहमानों को एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यूनिक है। ये देखिए आप इसको दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, दूसरे साइड से बिल्कुल अच्छे से डन हो गया। अब इसको 10 सेकंड हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए और प्यारा सा कलर आ जाए। तो इस तरीके से अलग से पलटते रहेंगे ताकि हर तरफ से बराबर से कलर आए। और ये देखिए इस तरीके से हम साइड में करके निकाल लेंगे। ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और खाने में आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, दोबारा बनाने के लिए आपको क्या करना है, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। तो जब तक आपका तेल गर्म नहीं होगा आपको दूसरा बैच नहीं डालना है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुकी है हमारी मजेदार सी चटपटी सी कुरकुरी सी करारी सी रेसिपी। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा लास्ट में डाल देंगे चाट मसाला, जैसे हमारे ठेले वाले भैया डाल के देते हैं। और ये देखिए इसका फाइनल जो कितना ज्यादा खूबसूरत है, जितना ज्यादा क्रिस्पी है उससे ज़्यादा ये अंदर से सॉफ्ट है। बच्चे से लेकर बड़े तक एंजॉय कर सकते हैं और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। एक बार आप इस रेसिपी को इस चटनी के साथ बना के खा लेंगे तो जब भी बनाएंगे इस चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का है। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप ही बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।